उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हमीरपुर सदर सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी युवराज सिंह को मिली जीत के बाद हमीरपुर प्रभारी परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने बताया कि यह योगी और मोदी की नीतियों की जीत है। योगी जी उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, इसी को लेकर आम जनाधार जन में तब्दील हुआ है। तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि सपा में बहुत आजम खान है, सरकार द्वारा गांव-गांव में शौचालय बनवाए जा रहे हैं, ये मोदी जी के सबका साथ सबका विकास की जीत है, योगी और मोदी की जीत है। ये हमीरपुर उपचुनाव की जो जीत है ये माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की नीतियों की जीत है। माननीय मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश को एक भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर जन मन में एक जन विश्वास का निर्माण हुआ है, और वह जन विश्वास जनाधार बना है, और वह जनाधार ही जनमत मतलब हमें प्राप्त हुआ है उससे। सर, जैसा ही समाजवादी पार्टी आजम खान के मुद्दे को उठा रही है, उन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्या विपक्ष कमजोर हो रहा है? देखिए, मैं मानता हूँ समाजवादी पार्टी में बहुत सारे ऐसे आजम खान हैं और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो जमीनों पर कब्जा करते रहे हैं, कानून सम्मत कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है और कानून अपना काम कर रहा है। अच्छा, जीत के लिए भाजपा ने क्या रणनीति बनाई थी? मैंने कहा ना, माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं, और देश के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बिल्कुल गाँव में गरीबों में लगातार उनके बारे में विचार करने में जुटे हैं, और उन्हें गांव में वो शौचालय खुलवा रहे हैं, गांव-गांव में वो गैस के कनेक्शन बंटवा रहे हैं, गांव-गांव में वो 5 लाख के हेल्थ कार्ड बंटवा रहे हैं गरीबों को, गांव-गांव में गरीबों को पक्के मकान बनवा रहे हैं। देखिए, जो जमीन पर काम हो रहा है वही लोगों के मन में और दिल में बसा है। सर, हमीरपुर के प्रभारी होने के नाते इस चीज़ का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैंने कहा, ये जो जीत है ये माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की नीतियों की जीत है। सर, आखिरी सवाल ये है कि पड़ोस के जिले रामपुर में भी इलेक्शन होना है, इसके लिए भाजपा क्या रणनीति दी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी आने वाले दिनों में उपचुनाव हैं, सब चुनावों को हम जीतने वाले हैं और बहुमत से जीतने वाले हैं। माननीय मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसके आधार पर जीतने। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।